रात में सोना है ना, मैं एक साथ दस के साथ सोऊंगा, मेरा अंदर आप दस के साथ सो जाओ, होगा जब तो क्या शादी जिसने। देखिए शर्मा जी ने ये कहा था, दो चीज कह के जा रहा हूँ, सुहाग रात और सेना के शौर्य का सबूत नहीं मांगा जाता है, वो नौ महीने बाद दिख जाता है। गाना ना दिया पीर जी का चमक चमक नाच रहे हैं मनोज तिवारी, आपने उनका ही गाना सुन के पिया क्या? हाँ, हम बलात्कार करते फिर शादी ना करे, हम बलात्कार करे गलत काम कर ले लेकिन शादी ना करे। पैसा है मैं कमा रहा हूँ और मेरे पास मर्दानगी भी है, ताकत है, मैं शौक पूरा कर रहा हूँ, तो फिर क्या हो गया यार? शादी शौक पूरा करने की चीज है। मोदी जी बिहार गए, बिहार से मेरा खून का रिश्ता है, मध्य प्रदेश में गए, मैं तो यही कहूँ है ना, मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं वो जो जहाँ जाते वही को हो जाते। राहुल क्यों बोला ये बात है ना, बंगाल में गए, मेरा तो यहाँ का तो मैं नस्ली यही की है मेरी है ना, कुछ भी बोलते भाई। और राहुल गांधी बोल दिए, राहुल मोदी जी ने जहाँ जहाँ जा करके ये बात बोली वहाँ कहीं भी बम फटा, वहाँ पर कहीं भी बम फटा, राहुल गांधी कहाँ का ये बताओ, वहाँ पर कहीं भी बम फटा, एक बम बताओ फटाओ, वहाँ पर कोई दंगा हुआ, एक दंगा बताओ जो हुआ हो, वहाँ पर किसी भी बहन बेटियों को बीजेपी का नेता उठा करके ले गया, एक को ले गया तो बताओ, वहाँ पर कोई घोटाला हुआ हो तो बताओ, जहाँ 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 मोदी जी ने बोला था मेरा खून का रिश्ता है वहाँ वहाँ, लेकिन जहाँ कुछ भी हमला नहीं हुआ। बताओ एक आतंकवादी हमला, 11 साल का टाइम दे रहा हूँ आपको मोदी सरकार को, 11 साल। अच्छा एक नो बताओ, हमला हो जाएगा ना, मोदी जी जाएंगे नहीं वहाँ? अरे बताओ पुलवामा में क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं गए, हाथरस क्यों नहीं गए, का बदला एयर स्ट्राइक करके ले लिए 400 लोगों को जा करके पाकिस्तान में रेल दिए, हाथरस क्यों नहीं गए भाई साहब? प्रियंका गांधी जब मोहित खान ने रेप किया तो वहां क्यों नहीं गई? प्रियंका गांधी हाथरस गई थी, मोहित खान ने रेप किया अपनी बेकरी में। अरे प्रियंका गांधी तुम्हारी वो है हितैषी जिसने रेप किया। अरे मोदी पहले मोदी बुलडोजर चला रहे प्रियंका यूपी में बलात्कारियों के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, वो प्रियंका गांधी क्यों जाएंगे? प्रियंका गांधी क्यों जाए? देखो बेटियों के लिए लड़ते, बलात्कार जब होता है वहाँ जा करती है, हाथरस में तो चली गई, तो यहाँ क्यों नहीं गई? मोहित खान एक ट्वीट आया ना, ना तो ना तो वैसी का ना, राहुल गांधी का ना, प्रियंका गांधी का ना, अखिलेश यादव का आया, अखिलेश यादव का जो बंदा था जिसने रेप किया उसका भी ट्वीट नहीं आया। तो मुझे ये बताओ यार, तुम ज्यादा अखिलेश यादव के साथ फोटो है उसका, उसका समाजवादी पार्टी का नेता है वो चले गए। नहीं बेटियों लड़ती हूं किसके लिए? ये हमारे देश का प्रधानमंत्री, यार इन्हें क्यों नहीं दिक्कत होती? देश का मालिक है ना वो, देखो एक भगवान होता है वो, है नहीं हमारा मतलब जैसे घर का गार्जियन। कन्नौज में प्रधानमंत्री जाए कन्नौज में, क्यों नहीं जाए? अरे वो ये कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश सपोर्ट कर रहे हैं उनका, तो मतलब प्रधानमंत्री और मतलब कोई मुख्यमंत्री का वो भी जीता हुआ नहीं है। अब दारू पी के सीवर में गिर जाएंगे तो मोदी जी आए इनको देखने के लिए कि देश का युवा नाले में गिर गया। मेरा गार्जियन है, गार्जियन है तो तुम नाली में दारू पी के गिर जाओ, बचाने आए तुम्हें। क्या करें, दारू बंद करवा दे, मैं पीऊंगा नहीं। मोदी जी क्या अभी ये पूछिए उसी दारू का क्या किया, उसको तो वोट देंगे। एक तुम्हारे पिताजी घर के गार्जियन है, एक मिनट, घर के गार्जियन है, इनको इनके पूरा दिक्कत होगी। बताए अभी दारू पी है कि नहीं? पब्लिक प्लेस पे दारू पी के नहीं बोलना चाहिए। चुप रहो, चुप रहो, चुप चुप। तू प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यासीन मलिक को घर में बुला के तलवे चाटता था, तुम भी चाटते थे, तो प्रधानमंत्री बुला रहा ना तुम्हें? पता ही नहीं, पता ही नहीं। अरे यार उसे चाय पिलाई थी यासीन मलिक को, यार चाय पिलाई थी मनमोहन सिंह ने। क्या हो गया प्रधानमंत्री चाय पिला रहा यासीन मलिक? क्या तुमने मोदी जी की बात कर दी? शहनवाज हुसैन कौन है? शहनवाज हुसैन कौन? अरे यार एक मिनट दो, ये यासीन मलिक को तो याद है, आतंकवादी का नाम नहीं जानते हो? शहनवाज हुसैन अभी ये वाणी का नाम भूल गया है, मुख्तार अंसारी नकवी आतंकवादी है, ये सब सही आदमी, ये सही है, ये सही है, बकलोल। उसने क्या किया? इसकी हिस्ट्री नहीं जानता हूँ मैं। हाँ बता किसका नाम बोला भाई ना? कसाब की जानते हो? अफजल गुरु की जानते हो? किसने इनकी फांसी रुकवाई? किसने कोर्ट खुलवाए थे एक आतंकवादी के लिए? राहुल
किसान है भाई जुसैन, तो ये तो बीजेपी के नेता है, ये उनके लिए नहीं बोलना हमें, तो क्या वो सही है बिल्कुल। अरे बताओ ना शहनवाज हुसैन ने क्या किया, क्या किया, किसके नाम पर आपने बताओ, शहनवाज हुसैन नहीं, इनसे पहले किसका, यासीन मलिक क्या किया, कश्मीर का आतंकवादी जाली जाली का नारा देने वाला है, तिहाड़ जेल में सड़ रहा है, मार दो करवा दो, तो कह रहे हो तुम्हारे नेता घर में क्यों बुलाते हो उनको, क्यों बुलाते, जो तुम्हारे दिलों में बसे हैं कांग्रेसी वो घर में क्यों बुलाते हैं, चाय क्यों पिलाते हैं, पिलाते हैं भाई, फास्ट में बुलाते हैं भाई, उसको भूल गए, आपने दारू पिए क्या, नहीं आपको कुरान की कसम, ये बड़ा अच्छा बंदा है, झूठ मत बोलो, अभी आपने कैमरे पे बोला, मैंने हमारे यहाँ इससे पहले जब ये मुस्लिम समाज में बियर पी है, मुस्लिम समाज में दारू नहीं, बियर मुस्लिम समाज में व्यक्तिगत है, बियर पी करके, अरे मुस्लिम समाज में अवैध है पीना, दारू पीना, जुआ खेलना अवैध है, गाना गा दिया बियर पी के चम्मच चम्मच नाचे, मनोज तिवारी गाना सुन के पिए क्या, वो हाँ मनोज तिवारी का फैन हूँ मैं, बीबी समाज में अवैध नहीं है दारू पीना, यार बिल्कुल है गलत है, देखो इस बात को ना क्यों पीते हैं, गलत है, वैसे तो इतने गुड़ गाते हैं, इस समाज में चार की सभी अर्पी है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे हमने अल्कोहल पी है शराब पी है, मतलब बचने का हर एक तरीका इन लोगों के पास है, समझ रहे हैं, अभी जो है इनसे एक मैंने सवाल पूछा, ये कह रहे हैं कि मैं शरीयत को नहीं मानता, शर्मा जी इन्होंने बोला मैं शरीयत को नहीं मानता, हमने कहा जब आप नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि मुस्लिम महिलाओं के भी गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, तो जो मौलाना विरोध कर रहे हैं ये कह के कि शरीयत के खिलाफ है, बोलो वो दोहरे चरित्र के लोग हैं, देखो सरिया और शरीयत ये दो चीज है, इनको पता नहीं, सरिया एक होता है कि बाहर देश से कानून बना के हमें दिया गया, और सरिया सरिया उसको बोलते हैं, शरीयत शरीयत क्या होता है, जो हमारे दीन में कुरान में हदीस में जो है ना वो है, आपने सरिया बोल ले, शरीयत बताओ कौन सा शरीयत, शरीयत शरीयत किसको किसको मानते हो, किसका, रुको इतना पूछ तो लो भैया, शरीयत या शरिया, शरीयत निकल गया, ये लिया ये बोला कि रेप कर दे और कोई बंदा चोरी करे उसको घोड़े नहीं लगाने चाहिए सड़क पे, उसको सड़क पे खड़े होकर फांसी नहीं लगानी चाहिए, ऐसा शरीयत में नहीं है, और चार चार शरीयत करके तुम भाई साहब चार चार शादियां अलाउड है शरीयत में, हम बलात्कार करते फिर शादी ना करे, हम बलात्कार करे गलत काम कर ले लेकिन शादी ना करे, मेरी मर्जी, मैं मुझे पांच को पांच के साथ रहने का दिल है, इसमें दस के साथ रहूंगा, मैं शादी कर रहा हूँ, निकाह कर रहा हूँ ना, अलाउड है निकाह, अरे चार शादी हो पांच शादी, उसमें दिक्कत क्या करूँगा, मेरे का क्षमता है, अरे क्षमता आप दक्ष नहीं करेंगे, रोजगार मोदी जी से मांगेंगे, रोजगार रोजगार मोदी जी से चाहिए, सरकार से चाहिए, दो करोड़ में तीन करोड़ दे दिया ना, दो करोड़ का वादा कर, शादी कैसे कर सकते हैं आप, एक बताओ, आपके पास भगवान ने दिया है पैसे है सब चीज है आपके अंदर मर्दानगी भी है, बोल रहा मेरी मर्जी है, मैं किससे तो मैं शादी कर सकता हूँ, यार वो क्या होता है निकाह, ये होता है कि आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं और मैंने मैं ये देना है वो देना है, नहीं आप अगर मेरा अंदर वो क्षमता है मैं कर सकता हूँ शादी, पैसे से आप खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना क्या होता है, निकाह खरीदा जाता है, तो बलात्कार करके आ जाओ किसी का वो तो सही है, सजा नहीं है, शादी ना करे, किसी की बलात्कार करके आ जाओ वो निकाह ना करे, एक दस महिलाओं को उनका हक दे सकता है, एक मर्द की दस औरतों को क्यों रखे भाई, क्यों रुको बता दो, ये मत यार महिला सशक्तिकरण का मामला है, कुरान में सशक्तिकरण पे बोल रहा हूँ, ये पढ़े लिखे हैं इन्हीं के कौम के और इन्हीं के नेता, सलमान खुर्शीद ने कहा जो पाक बालंगत जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, कौम हो गया हमारे नबी हो गए, यही लोग जो दस दस शादियों का दस दस शादियों करने का और सोलह सोलह बच्चे पैदा करके ये लोग जो है भारत को पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे में अगर मैंने मैं दो शादी महिलाओं को एक पुरुष अगर शादी करेगा तो उनका उनका हक दे देगा, वो नहीं नहीं वो मांगती होगी ना, एक में बताओ का मतलब पैसा नहीं होता, कपड़ा नहीं होता, जेवर नहीं होता, हक का मतलब ये है कि उसको सम्मान देना, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना, वो नहीं कर रहे हैं, कैसे करोगे, नहीं कर रहे हैं, दस महिलाओं के साथ तुम एक साथ रह लोगे, क्यों देखो कोई बेवा मतलब कोई भाई मेरे पास वो क्षमता है, क्षमता पैसा है, मैं कमा रहा हूँ और मेरे पास मर्दानगी भी है, ताकत है, मैं शौक पूरा कर रहा हूँ, तो फिर क्या हो गया, शादी शौक पूरा करने की चीज है, नहीं अगर उसकी जोत शौक पूरा उसकी जोत पूरा कर रहे हैं
ये शोकपुरा, ये शोकपुरा कर रहे हैं। ये देखो एक ऐसा, ये जो है ना मैं बता दूं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो है ना उसमें मुस्लिम योद्धा काफी मारे गए थे, तो बात अरे ये कह रहे मैं शोकपुरा कर रहा हूँ, पूरा करने की चीज मतलब मैं उसका हर चीज आराम पूरा कर रहा हूँ, उसको सब चीज दे रहा हूँ, उसे कपड़ा मिल रहा है, उसे खाना मिल रहा है, उसे सब चीज मिल रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? खाना और कपड़े चाहिए उसको, और क्या चाहिए? रात में सोना है ना, रात में सोना है ना, मैं एक साथ दस के साथ सोऊंगा, मेरा अंदर आप दस के साथ हो जाओ, होगा जब तो क्या है शादी जिसने? जब एयर स्ट्राइक की बात किया तो इन्होंने कहा वीडियो दिखाओ, एयर स्ट्राइक कैसे हुई वीडियो दिखाओ, तो मैंने कहा कि सेना के शौर्य का टेस्ट नहीं लिया जाता है, सेना अपने आप दिखा देती है, तो ये कह रहे हैं हमारे अंदर क्षमता है। हमने कहा कि जब तुम सेना के सबूत, सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हो तो अपनी सुहागरात का भी दे दो, तो सुहागरात का वीडियो नहीं, सुहागरात का कौन किस, और सेना के शौर्य का सबूत चाहिए, आपकी वीडियो नहीं बनी होगी, शौर्य का सबूत चाहिए। देखिए शर्मा जी, ये कहा था, दो चीज कह के जा रहा हूँ, सुहागरात और सेना के शौर्य का सबूत नहीं मांगा जाता है, वो 9 महीने बाद दिख जाता है सुहागरात का रिजल्ट, और सेना का अरे एक रात भी दस के पास मैं चला जाऊंगा, दस के पास ही दस शादी करूंगा, तो दस यही तो इनके अंदर क्षमता है, यही तो कह रहे हैं इनके अंदर क्षमता है, सिर्फ इसी की क्षमता, इसके लिए इनके पास क्षमता है, और जो सेना है जिसके पास सारे हथियार हैं उसकी क्षमता पे इनको शंका है। मैंने ये कहा था 10 महिला के साथ, सुनो, 10 महिला के साथ सोने की क्षमता है इनके अंदर, लेकिन जो सेना है जिसके पास सारे हथियार हैं उसके शौर्य जो उसने एयर स्ट्राइक किया जाकर के बालाकोट में, उसके क्षमता पे इनको संदेह है। मैंने संदेह कब कर ली भाई, 10 महिलाओं के साथ, इसीलिए सुहागरात का वीडियो दिखाने से मना कर दिया।